अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तानी और इंडियन पिजेंस चैनल। दोस्तों, आप लोगों से दरख्वास्त करनी थी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर्स में इजाफ़ा करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने दिखाई है, जो कि पार्ट वन है, जिसमें मैंने बताया है कि अंडों से बंद मादियों की निशानियाँ क्या होती हैं, और जो है उसमें देसी इलाज क्या है, मैंने आपको वो दोनों बताए। इस वीडियो में मैं आपको वो इलाज बताऊंगा जो मेरा है और मैं आजमाता हूँ उसको। ये दोनों इलाज मैंने आपसे बता दिए, आप दोनों करेंगे, दोनों ही सक्सेसफुल हैं। ये जो इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन मादियों के लिए हैं जो पहले अंडे देती थी और अब वो अंडे देना बंद कर चुकी हैं ओवर ब्रीडिंग की वजह से या बुढ़ापे की वजह से। तो ऐसी मादियों के लिए आप ये नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले मैं इस नुस्खे के अज्जा आपसे शेयर कर दूँ। इसमें आता है, ये है बेसीफॉल। बेसीफॉल ये एबट की दवाई है। बेसीफॉल ये वाइटामिन है, ये आपने लेना है। इसको मैं खोल लेता हूँ। इसके बाद है सीकॉन। ये सीकॉन की कैल्शियम की गोलियाँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो ये सीकॉन की गोलियाँ हैं, ठीक है, ये लेनी है आपने। उसके बाद ये है दवा अलमस्क सादा। दवा अलमस्क सादा आपने ले लेनी है, ठीक है जी। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपके पास हामन दस्ता होना चाहिए। इस हामन दस्ते में आपने सबसे पहले इसको इसको लेना है। ये है गोली, उसकी बेसीफॉल की गोली आपने लेनी है। ये बेसीफॉल की गोली, इस पे आपने ये ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ी है, ये उतार देनी है। तो इसको उतारने का तरीका ये है कि आप अंदर लें, इसको डालें और ये अब छिलका इसका उतर आएगा आराम से। ये छिलका उतर आएगा इसका आराम से। थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, ये छिलका उतारना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, मैंने ये गोली का छिलका उतार दिया, अब मैं इसको पीस रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये जो सीकॉन है, सीकॉन की एक गोली लेके वो भी पीस लूँगा इसके साथ ही। एक गोली इसके अंदर डाल दूँगा मैं, सीकॉन की एक गोली डाल दी इसके अंदर, पीसूंगा।
अच्छा दोस्तों, जब तक मैं ये पीस रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। अब इसके अंदर हमें दवा अलमोस्क मिलानी है। दवा अलमोस्क इतनी मिलानी है, दवा अलमोस्क जो आप लेंगे उसके अंदर ये सारा, ये जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये जो पाउडर है सारा, ये पाउडर सारा आपने इसके अंदर इतनी हो कि सारा पाउडर दवा अलमोस्क के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, करो दवा अलमोस्क मैंने ली। ये चिपकती बहुत है हाथ में, तो ज़रा आप अवॉइड कीजिएगा हाथ लगाने से, तीली से या तिनके से इसको निकाले, इसको यूँ कर ले। तब आप इसको उंगली से अलग कर सकते हैं, चिपकेगी भी नहीं। इसको मिला लें अच्छे तरीके से पाउडर के साथ। अच्छे तरीके से पाउडर दवा अलमोस्क के गिर्द लगा लें। इसको मिलाते रहे इसे। दोस्तों ये जब आपने नुस्खा देना है तो आपने नर को मादी से अलग कर देना है, और नुस्खा जब तक रहेगा वो आपने उसको अलग रखना है, नर से नहीं मिलने देना मादी को बिल्कुल भी। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, सारी मैंने इसके अंदर दवा अलमोस्क के अंदर अच्छे से मैंने सारा वो पीसी भी बोली है इसके अंदर मिला रहा हूँ। तो ये अच्छे तरीके से दोस्तों मैंने सारा क्या पिसी हुई गोलियाँ इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। मिक्स करने के बाद अब ये करना है कि आपने इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है, छोटी छोटी गोलियाँ चने के जितनी बना लेनी है आपने। जैसे ये गोली मैं तोड़ के बना रहा हूँ, ऐसे ले लेना है। ये एक छोटी गोली बना ली, जैसे ये छोटी गोली बन गई है। अब इसमें ये करना है कि जब रोज़ाना शाम को जब आपकी मादा दाना खा ले तो उसको ये गोली दे देनी है, दिन में एक टाइम ये गोली देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने नर को मादियों से अलग, मादी मादा को नरों से अलग रखना है, नरों के साथ नहीं मिक्स करना। और 15 दिन तक आपने ये दवा मुसलसल देनी है मादा को, ठीक है। कोशिश करें कि जब दवा ख़त्म हो जाए, जैसे ये जो मैंने बनाया है ये पूरा, ये 15 दिन तक नहीं चल सकता, तो आप इसको जब ख़त्म हो जाए तो आप नई बनाएं और फिर दें। ऐसा ना करें कि 15 से 20 दिन की पहले एक ही दफ़ा में बना लें, ये ना कीजिएगा। 4-5 दिन की बनाइएगा और फिर 4-5 दिन बाद दोबारा बना के फिर दीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह
ये नुस्खा काम करेगा, ये नुस्खा मैंने आजमाया हुआ है, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ये काम करता है और मादी अंडे देती है और जान भी पकड़ जाती है और बेहतर, बहुत बेहतर हालत में आ जाती है। तो दोस्तों मैंने आपसे दोनों नुस्खे शेयर कर दिए, कदीमी नुस्खा भी आपसे शेयर कर दिया और वो पार्ट वन में है इसके, और ये नुस्खा जो मैं यूज़ करता हूँ ये पार्ट टू में है। तो दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।